नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, मैं हूं पिनाज त्यागी। कोरोना काल में ये दूसरी बार होगा जब भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से इस बार भी रथ यात्रा बिल्कुल अलग अंदाज में दिखने वाली है। रथ को खींचने का जिम्मा भगवान जगन्नाथ के सेवकों को दिया गया है, जो रथ खींचने से पहले वर्जिश करके कैसे खुद को फिट रख रहे हैं और कैसी हैं तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना के काल में हालात बदल गए, नियम बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो आस्था का अटूट विश्वास। हर साल की तरह इस बार कोरोना काल में भी पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन ना तो पहले जैसे भक्तों का सैलाब दिखेगा, ना ही रथ यात्रा का शोर सुनाई देगा, न रथ को खींचने की होड़ होगी, न ही श्रद्धालुओं की पहले जैसी भीड़ होगी। जुलाई यानी सोमवार को पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होगी। रथ यात्रा कोरोना काल में हो रही है, लिहाजा इस बार भगवान जगन्नाथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा पर तो निकलेंगे, लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज में। इस बार की रथ यात्रा में सिर्फ सेवक ही रथ को खींचेंगे, पुलिस बल रथ को हाथ भी नहीं लगाएगी। यही नहीं, आम श्रद्धालुओं को भी पुरी में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। देखिए रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ के सेवक दंड बैठक कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों को खींचने की जिम्मेदारी इन्हीं सेवकों के कंधों पर होगी, लिहाजा रथ यात्रा से पहले खुद को पूरी तरह से तैयार कर लेना चाहते हैं। कल रात को प्रभु की तबीयत ठीक हो चुकी है, उनका बनक नीति या श्रृंगार हो चुका है। इसके पहले चंदन लेप किया जाता है, उसके बाद कुछ देर को छोड़ दिया गया, फिर श्रृंगार आरंभ होता है, फिर मंगल आरती जिसमें प्रभु की धूप दीप से अर्चना हुई, इसके बाद बल्ब पूजा, सूर्य पूजा भी पूरी हो चुकी है और फिर भगवान के आधार माला यानी शरीर में जो माला होती है वो पहले भाई बलभद्र के पास, फिर माता सुभद्रा के पास आता है, जिसके बाद इन सभी माला को जिसे अज्ञामल कहते हैं। इधर रथ यात्रा की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रविवार को महाप्रभु के तीनों पूजा पंडा सेवक तीन अलग अलग मालाएं लेकर मंदिर के पटुआर यानी कीर्तन दल के साथ रथखला पहुंचे। रथखला वो जगह होती है जहां भगवान के तीनों रथों का निर्माण होता है। माला पहुंचते ही रथ बनाने वाले मुख्य महाराणा ने तीनों रथ पंडा सेवकों को सौंप दिए। तमाम धार्मिक विधि विधानों को पूरा करने के बाद रथखला में तैयार खड़े तीनों रथ को खींचकर सिंह द्वार के सामने लाया गया। इसी सिंह द्वार से सोमवार को रथ यात्रा की शुरुआत होगी। सोमवार को रथ यात्रा में सबसे आगे भाई बलभद्र का दर्प दलन रथ निकलेगा। इनके रथ पर ताल ध्वज लहराता है। इनके पीछे बहन सुभद्रा का देव दलन रथ पद्म ध्वज के साथ निकलेगा और आखिर में गरुड़ ध्वज के साथ भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ निकलेगा। पीतल के ये शीश नील चक्र कहलाते हैं। परंपरा के मुताबिक पूजा पंडा सेवक इन नील चक्रों को कोठ सुवांसिया सेवकों को सौंपते हैं और फिर ये सेवक इन नील चक्रों को रथ यात्रा से पहले रथ के सबसे ऊपरी भाग में स्थापित करते हैं। रथ के पास आई इसका मतलब है कि प्रभु ठीक है और उन्होंने आदेश दिया है कि अब रथ को सिंह द्वार के सामने लाया जाए और उन्होंने हमें आदेश किया कि मंदिर के सामने रथ लगाया जाए। कल महाप्रभु की रथ यात्रा है जिसमें तीनों भाई बहन गुंडीचा मंदिर जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होकर जो लोग रथ खींचते हैं उन्हें 100 यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस बार ये सौभाग्य आम लोगों को नहीं मिलने वाला। कोरोना महामारी के चलते इस बार आम लोगों को रथ यात्रा से दूर रखा जाएगा। रथ यात्रा से ठीक पहले रविवार रात 8 बजे से पुरी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आम श्रद्धालुओं को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। यहां तक कि रथ यात्रा के दौरान सड़क के दोनों ओर की दुकानें और लॉज भी बंद रहेंगे। रथ यात्रा के मार्ग पर सड़क के दोनों ओर रहने वाले स्थानीय लोगों को भी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है।
आम तौर पर पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में देश विदेश से हर साल 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इस बार न तो बाहर के श्रद्धालु पुरी आ पाएंगे, न ही पुरी के लोग इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। प्रशासन की ओर से हर किसी को टीवी पर रथ यात्रा का सीधा प्रसारण देखने की अपील की गई है। आज्ञा माला एक तरह का परमिशन है, जैसे हम अपने बुजुर्गों से अनुमति के बाद कहीं जाते हैं तो ये परंपरा है कि पुरी में कोई भी काम श्री जगन्नाथ की आज्ञा से ही होती है, रथ यात्रा भी उन्हीं के आदेश से होती है। कहते हैं कि पाबंदियों का कोई बंधन आस्था की सीमा तय नहीं कर सकता। भले ही कोरोना के चलते आम श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन इससे उनके मन में भगवान जगन्नाथ के लिए आस्था कम नहीं हुई है। कुछ कलाकार अपने घर पर ही अपने अपने अंदाज में रथ तैयार कर रहे हैं। तो ओडिशा के सुदर्शन पटनायक ने तो पुरी के बीच पर दुनिया का सबसे बड़ा रेत कला रथ बना दिया। ये भुवनेश्वर की रहने वाली प्रियंका साहनी है, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन भगवान जगन्नाथ की आस्था में यह कलाकार बन गई। इन्होंने भगवान जगन्नाथ को 108 मिनिएचर पेंटिंग्स भेंट की। प्रियंका ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की 108 पेंटिंग्स खाने पीने की चीजों पर बनाई है। इनमें दाल, राजमा, सोयाबीन, फूल, पत्ती, पिस्ता बादाम, अनार, केला, नारियल जैसी खाने पीने की चीजें शामिल हैं। 26 जून को प्रियंका ने यह काम शुरू किया था और हर रोज 10 से 12 घंटे की कड़ी मेहनत करके उन्होंने 108 खूबसूरत पेंटिंग्स तैयार की है। मैंने 26 जून से शुरू किया। 24 जून को स्नान पूर्णिमा था, भगवान जी का मतलब वो स्नान करते, तो ये मतलब होता है कि भगवान जी मतलब हर चीज़ पे है, भगवान जी मतलब सारे चीज़ में है और भगवान जी मतलब हम जहाँ भी देखते हैं ना भगवान जी उधर है। एक एक आर्ट को बनाने के लिए वो डिपेंड करता है, अगर बहुत छोटा आर्ट है तो मैं वो नीडल में बना रही हूँ तो धीरे धीरे एक घंटा लग जाता है एक छोटा छोटा पेंटिंग, और फिर थोड़ा मतलब जो थोड़ा सा बड़ा है या थोड़ा सा इंटीग्रेट डिजाइन है वो मुझे 10 घंटा लग जाता है, 10 घंटा 8 घंटा 5 घंटा ऐसे लग जाता है। राजधानी भुवनेश्वर की रहने वाली ये मिनिएचर आर्टिस्ट एल ईश्वर राम हैं। इन्होंने माचिस की तीलियों को जोड़कर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के 3 रथों का निर्माण किया। रथ में कुल 435 तीलियों का इस्तेमाल किया गया है और इसे बनाने में राव को पूरे 9 दिन लगे हैं। टोटल इसमें मैं 435 मैस्टिक्स यूज करके ये जो रथ 3 रथ बनाया हूँ, और इसका हाइट है 4.5 इंच, और इसका जो बाउंड्री वाल है वो मैं धागा से रस्सी से बांधा हुआ है, और बाकी इसका अंदर जो मूर्ति है वो नीम की लकड़ी से मैं बनाया हूँ, उसका हाइट है 1 इंच। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर पौराणिक मान्यता भी बेहद दिलचस्प है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा एक बार अपने मायके से लौट रही थी। मायके लौटने पर वो अपने दोनों भाई कृष्ण और बलराम से नगर भ्रमण की इच्छा जताने लगी। तब कृष्ण और बलराम बहन सुभद्रा के साथ रथ से नगर घूमने निकले। कहा जाता है कि तब से ही रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन की ओर से पिछले कई महीने से रथ यात्रा के निर्माण का काम चल रहा था। रथ यात्रा के निर्माण की विधि भी कम दिलचस्प नहीं है। खास बात यह है कि इस विशालकाय रथ के निर्माण में किसी भी तरह की कील या किसी नुकीली वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सर जो जगन्नाथ जी का जो तीनों रथों में जो कपड़ा लगता है टोटल 1250 मीटर कपड़ा लगता है। जगन्नाथ जी का 425 मीटर कपड़ा लगता है लाल पीला, और देवी सुभद्रा का लगता है 400 मीटर कपड़ा लाल और ब्लैक, बलभद्र जी का लगता है 425 मीटर कपड़ा लाल और ग्रीन लगता है। रथ के निर्माण में जिस लकड़ी का इस्तेमाल होता है उसके पेड़ का भी खास तौर पर चयन होता है। इसके लिए विशेष रूप से सिर्फ नीम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद मंदिर के अलग अलग हिस्सों के निर्माण में सैकड़ों कारीगर लगते हैं। टीम न्यूज नेशन। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ताजा अपडेट पाने के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।